हो आप पर धन की वर्षा अपार, मिले सुख समृद्धि बेशुमार। हर रात बनकर आए शरद पूर्णिमा, मिले जीवन में खुशियां बेशुमार। अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अश्विन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा का महत्व, तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। इसको जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। तो आइए हम जानते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर मंगलवार को पड़ रही है। मान्यता के अनुसार इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन से सर्दियों का आगमन भी माना जाता है। यह दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजन के साथ साथ रात्रि जागरण कर मां लक्ष्मी की पूजन का भी विधान है। मान्यता यह भी है कि इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन की वृद्धि होती है। चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी की समुद्र मंथन से उत्पत्ति शरद पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए इस तिथि को धनदायक भी माना जाता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और जो लोग रात्रि में जागकर मां लक्ष्मी की पूजन अर्चना करते हैं वे उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं और धन वैभव प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं अर्थात 16 कलाओं के साथ होता है और पृथ्वी पर चारों ओर चंद्रमा की उजियारी फैली होती है। धरती जैसे दूधिया रोशनी में नहा जाती है। माना यह जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है, इसलिए रात्रि में चांद की रोशनी में खीर रखने की परंपरा भी है। आइए अब हम आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त। इस बार शरद पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा 19 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार के दिन पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि आरंभ 19 अक्टूबर शाम को 7 बजे से और पूर्णिमा तिथि समाप्त का वक्त है 20 अक्टूबर रात्रि 8:20 पर। आइए अब हम आपको अवगत कराते हैं शरद पूर्णिमा की पूजन विधि से। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। अब एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी के ऊपर मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं। अब लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से मां लक्ष्मी की विधिवत पूजन करें। इसके बाद मां लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। शाम के वक्त पुनः माँ और भगवान विष्णु का पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ दें। चावल और गाय के दूध से बनी खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को खीर खिलाएं। तो ये तो थी हमारी शरद पूर्णिमा की पूजन विधि। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे। इसी उम्मीद के साथ टीम स्पॉन्टेनियसली ऑसम की तरफ से आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े किसी भी अपडेट को मिस ना कर पाएं।